रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, चला। Hey guys, good morning, welcome back to my new vlog. I hope you are doing absolutely fine. Guys, कैसे हो आप सब? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। और आपका एक क्वेश्चन हुआ कि इतने दिन से तुम कहाँ थे, क्योंकि मैं और एक चैनल ओपन किया हूँ, उस वाला चैनल में मैं ओडिया में ब्लॉग डालता हूँ। जैसे कि आप लोगों को मैं बता देता हूँ, मैं ओडिशा से बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए मेरे बहुत सारे दोस्त और बहुत सारे रिलेटिव भी बोल रहे थे कि तू ओडिया में क्यों नहीं ब्लॉग डालता है। तो इसलिए मैं चाहता था ये वाला चैनल को मैं मिक्सअप नहीं करूंगा, और इसलिए मैं और एक चैनल ओपन किया जिसमें मैं सिर्फ ओडिया वाला ब्लॉग को डालता हूँ। और वो वाला चैनल को मैं नीचे उसका लिंक डाल देता हूँ, आप लोग जाके वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। बहुत अच्छा अच्छा बहुत सुंदर वीडियो है, क्योंकि उसमें मेरा जो फैमिली मेंबर और दोस्त सब भी इंटरेक्ट किए हैं, और बहुत अच्छा लगता है। वो वाला व्लॉग भी बहुत अच्छा लगता है, आप लोग जाके चेकआउट वहाँ पर कर सकते हो। उसमें कुछ 120 सब्सक्राइबर हो चुका है, और अभी पर 13-14 ऐसे कुछ वीडियो डल चुका है, ठीक है? तो आप वहां पर जाके देख सकते हो। और इसलिए गाइस, 2-3 हफ्ते हो गया ये वाला चैनल को मैं थोड़ा इसमें वीडियो नहीं डाल रहा था, क्योंकि वो चैनल को मैं थोड़ा ग्रो करना चाहता था, क्योंकि वहां पर सब्सक्राइबर भी बहुत कम थे, और अभी 100 मतलब पार हो चुका है। तो इसलिए सोचा कि यहाँ पर फिर से रिज्यूम करते हैं, ठीक है? मैं पहले सोचा था कि वो वाले चैनल को मैं रेगुलर मतलब वीडियो डालूंगा, उसमें रेगुलर डेली व्लॉगिंग करूंगा, और ये वाला चैनल को हफ्ते में एक बार वीडियो डालूंगा, ठीक है? बस आप लोगों का प्यार है इसलिए तो मेरा गाड़ी चल रहा है, देखते हैं क्या। और गाइज, इसमें तो मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मुझे ढेर सारा प्यार दिया, और मेरे वीडियो अभी मतलब चलते रहे। ऐसा कुछ दिन नहीं हुआ जिस दिन मेरा कुछ भी व्यू नहीं आया, व्यू तो आता रहता है, और सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। तो इसलिए आप सभी को मेरे तरफ से ढेर सारा थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टाइप ऑफ लव। तो गाइज, आप लोग हो इसलिए मैं मतलब ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, और मेरे को साहस मिल रहा है कि तू ब्लॉग बना। नहीं तो मेरे को कभी कभी ऐसे भी लगता है कि ब्लॉग क्यों बनाऊंगा, व्यू तो नहीं आ रहे। ओडिया वाला चैनल में ज्यादातर ऐसे ही हो रहा है, वहां पर व्यू इतना ज्यादा नहीं आ रहा है। हिंदी वाला चैनल में तो मतलब 100 पार हो रहे हैं, लेकिन वो वाला चैनल में 100 पार होने के लिए बहुत टेंशन है। तो आज का डेट है 2nd September, ठीक है? अभी टाइम हो गया है, मैं 7:30 बजे उठ गया था आज, और सुबह मैं रिहर्सल कर रहा था, ठीक है? क्या बोलूंगा हिंदी ब्लॉग। ये वाला चैनल में मैं लास्ट ब्लॉग जो अभी डाला था उसमें मैं बोल रहा था कि कुछ सरप्राइज है। क्या है वो सरप्राइज? तो उस सरप्राइज का रिवील तो मैं ओडिया वाला चैनल में कर चुका हूँ, लेकिन ये वाला चैनल में भी मैं उसका रिवील करूंगा, आज रिवील कर दूंगा। अभी तो नहीं, अभी मेरा कुछ काम है, ट्रेनिंग जाऊंगा, लकी को ट्यूशन छोड़ने जाऊंगा, उसके बाद जो आफ्टरनून में आऊंगा घर वापस आऊंगा, उस टाइम आपको वो सरप्राइज दिखा दूंगा, जरूर दिखाऊंगा। और क्यों था वो, मेरे मम्मा का बर्थडे था, इसलिए हम पापा मैं और लकी हम लोग मिलके सरप्राइज कुछ प्लान किए थे। तो वो सब तो आपको पूरा फुल ब्लॉग देखना है, तो वो जाके आप मेरे ओडिया वाला चैनल में चेकआउट कर सकते हो, मामा का बर्थडे वाला ब्लॉग, तो वहां पर देख सकते हो। तो अभी टाइम हुआ है 7:45 हो चुका है, तो जल्दी मैं फ्रेश हो जाऊंगा, उसके बाद लकी को ट्यूशन छोड़ने जाऊंगा, आके ब्रेकफास्ट कर दूंगा, और उसके बाद जाऊंगा ट्रेनिंग के लिए। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। अब थोड़ा मैं फ्रेश हो चुका हूँ, अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है, तो चलिए ब्रेकफास्ट थोड़ा कर लेते हैं, उसके बाद बहन रेडी हो चुका है, और उसको मैं सुन छोड़ के आ जाऊंगा। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ है ब्रेकफास्ट में। इसको देखो ये क्या खा रहा है, ये क्या है रे? चकोली। कैसे बनता है ये? आटा से बनता है। हाँ। इसको देखो कैसी है तू? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी ना। मेरे सब्सक्राइबर पूछ रहे हैं तू क्या खा रही है। मैं ये चकोली खा रही हूं। तो ये खा रही है चकोली, मैं भी अभी खाऊंगा चकोली। तो चलिए चकोली खा लेते हैं, उसके बाद इसको लेके छोड़ के आ जाऊंगा। तो चले सुबह उठ के इसको मैं पीटता हूँ, उसके बाद मेरा दिन शुरू होता है, पता है ना? ये मेरा बॉक्सिंग बैग है। कैसे मुंह बना रही है। तो चलिए खा लेते हैं, उसके बाद जाते हैं। आज ब्रेकफास्ट खत्म हो गया, वो भी रेडी हो चुका है, तो चलिए जाते हैं और छोड़ के उसको आते हैं। चलो इसको भी राखी बंधा है, देख सकते हो यहाँ पर गाड़ी भी हमारा भाई बहन जो समझो। तो हेलमेट ले लेना है, हेलमेट तो जरूरी है। आज भाई धूप भी बहुत ज़्यादा है, और देख सकते हो पता नहीं आज का जो भी मेरा टास्क है, जो ट्रेनिंग का जो टास्क है वो कैसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हम लोग को फील्ड में जाके ही वहाँ पर कंप्लीट करना है वो सब। तो जितना जल्दी हो सके हम लोग जाके कर देंगे। वो पीछे आ रही है मेरे बहन, तो रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, चलो चलते हैं। उसको देखो बैग में बुक है और हाथ में पकड़ भी रहे है। देखो ये बुक है, मतलब कितना पढ़ा है ये। पढ़ाई करती हूं। तो चले यहाँ पर आके मैं पहुंच चुका हूँ, इसको छोड़ने जा रहा हूँ, मतलब ये अभी चला जाएगा। अभी इसको देखो यहाँ पर इसका ट्यूशन है, तो यहाँ पर अभी पढ़ेगा, उसके बाद वो कॉलेज जाएगा। चले
इसको तो छोड़ दिया, मैं भी जाता हूँ, फ्रेश फ्रेश होता हूँ, नहा धो के फ्रेश होके निकल जाता हूँ ट्रेनिंग पे, तो चले जाते हैं। तो गाइस सुबह सुबह तो एक ब्रेकफास्ट किया था, अभी मतलब रेडी हो चुका हूँ, नहा धो के पूरा फ्रेश हो चुका हूँ, अभी टाइम हुआ है 10 बजने का आया है, ठीक है। तो अभी और एक ब्रेकफास्ट, छोटा सा ब्रेकफास्ट करूँगा, क्योंकि हमारा एक चाची है, मामी चाची, तो उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत अच्छा स्वीट्स तो नहीं, पीठा उसको बोलते हैं, तो वो बनाए हैं, तो आप लोगों को दिखाता हूँ कितना सुंदर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है छुंची पिठा इसको बोलते हैं, तो ये एक चीज़ है, इसके अंदर मतलब जो कोकोनट का जो पूरा होता है, जो हमारा ओडिशा में उसको पूरा बोलते हैं, तो इसके अंदर भी वो है, बहुत अच्छा टेस्ट है ये। एक पीस मैंने खाया हूँ और एक पीस यहाँ पर है, तो ये पिठा मैं अभी इसको टेस्ट करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा इसका टेस्ट कैसा है, ठीक है। इसको खा के मैं निकल जाऊँगा ऑफिस के लिए, ठीक है। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं भाई, ये बहुत सॉफ्ट है, मतलब हाथ में पकड़ने को आपको बहुत अच्छा लगेगा, और खाऊंगा थोड़ा, इसके अंदर भी पूरा है, ठीक है। भाई खतरनाक टेस्ट है इसका, बहुत सॉफ्ट है। आप अभी ओडिशा कभी आओ ना, तो बहुत सारा पिठा खाओगे, तो आपको बहुत मज़ा लगेगा, ठीक है। तो मेरा ओडिया वाला व्लॉग में मैं बहुत कुछ चीज़ दिखा चुका हूँ, तो ये वाला व्लॉग में हिंदी में भी आप लोग देखोगे, ठीक है। तो आज को ये वाला पिठा आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में नीचे ज़रूर बताना। तो ठीक है गाइस, मैं जल्दी जल्दी इसको ख़त्म कर देता हूँ, उसके बाद निकल जाएंगे ऑफिस के लिए। तो चलिए, जिसकी आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए पानी लेना ज़रूरी है, तो पानी को थोड़ा मतलब चिल वाटर ले लिया हूँ, क्योंकि वहाँ पर तो इतना ठंडा पानी नहीं मिलेगा, खरीदना पड़ेगा, इसलिए घर से ही मैं पानी लेके जाता हूँ। तो चलिए चलते हैं जल्दी जल्दी, वहाँ पहुँच के आप लोगों को बताता हूँ। अभी आके यहाँ पर पहुँच चुका हूँ निवेदिता और दीप्सी के पास, यहाँ पर हम लोग जाएंगे 3 जन ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो देख सकते हो वहाँ पर पांडा है, वो पांडा उसका नाम दीप्सिका है और वो निवेदिता है, तो उन लोगों के हम लोग मतलब साथ में मिलके हम लोग जाते हैं। आप देख सकते हो ये है निवेदिता का गाड़ी, तो वो अभी जाएगा इसमें, साथ मिलके हम लोग जाएंगे। तो चलिए चलते हैं जल्दी जल्दी ऑफिस पहुंच जाते। निवी आके पहुंच गई उसके स्कूटी के साथ, हम लोग आके ऑफिस पहुँच चुके हैं, और उसको देखो पांडा उसका फोटो क्लिक कर रही है। तो चलिए अटेंडेंस दे देते हैं, उसके बाद जाके अंदर बैठते हैं, और जो भी टास्क है उसको कंप्लीट करेंगे आज, ठीक है। तो चले अटेंडेंस पहले दे देते हैं। तो गाइस अभी टाइम हुआ है 11 बज चुका है, तो हम लोग अभी जाएंगे ई पेस्ट करने के लिए, तो चलिए जाते हैं वहाँ पर पहुँच के आप लोगों को बताता हूँ हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। चले चल बना। एक्चुअली गाइस हम लोग आज हमारा जो टास्क है, ठीक है, तो आज टास्क है ई पे सर्विलांस, ठीक है। फील्ड में जो भी हमारा पेस्ट अटैक होता है उसको हम लोग को आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ पर देख सकते हो उसका गाड़ी है, तो पांडा और निबी वहाँ पर गए हैं ई पे सर्विलांस करने के लिए। तो जब वो दोनों आ जाएंगे उसके बाद मेरा करूँगा या पांडा उसका करेगा, देखते हैं। लेकिन हम लोग को 3 लोगों को 3 जगह जाके करना पड़ेगा, उसके बाद आज कंप्लीट होगा। और एक टास्क है आज फार्मर जो होते हैं उनका आज सर्वे करना है, मतलब वो जो फर्टिलाइजर लेते हैं या पेस्टिसाइड जो भी लेते हैं उन लोगों को ठीक प्राइस में मिलता है कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम होता है कि नहीं, मतलब वो सब जानने के लिए हम लोगों को सर्वे करना पड़ रहा है अभी। तो अभी टाइम हो गया है 11 बज चुका है, 11:05 हो चुका है, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो जितना जल्दी हो सके काम ख़त्म करके ऑफिस जाना है हम लोगों को, नहीं तो हालत टाइट हो जाएगा। और गाय इतने दिन के बाद मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, मतलब हिंदी वाला ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, और थोड़ा और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ अभी, मतलब बाहर इतना ज़्यादा मैं हिंदी में बात नहीं करता था और ब्लॉगिंग इतना ज़्यादा नहीं करता था, लेकिन अभी ट्राई कर रहा हूँ सब जगह जहाँ भी जा रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ आप लोगों को बताने के लिए, ठीक है। तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा, जैसे मैं ओडिया ब्लॉग करता हूँ उसी तरह मैं हिंदी ब्लॉग को भी रेगुलर करने को ट्राई करूँगा, ठीक है। तो देखते हैं वो लोग आ जाते हैं तो हम लोग निकल जाएंगे, जो भी होता है आप लोगों को तो बताते रहूँगा। तो चलिए कुछ देर में मिलता हूँ गाइस। अभी टाइम हुआ है 11:30, हम लोगों को थोड़ा भूख लगा इसलिए यहाँ पर कुछ खाएंगे गर्मा गर्म, ठीक है। तो चले चलते हैं कुछ खा के आते हैं। निवी तेरे को गाड़ी चला गया कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सीख जाएगी, जल्दी सीख जाएगी, अभी स्टार्टिंग में थोड़ा डर तो लगेगा ना। तो चलिए कुछ खा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। गाइस थोड़ा खा लिए हम लोग, थोड़ा बोरा और करी ऐसे कुछ थोड़ा बहुत, ठीक है। तो पेट में थोड़ा आ गया, तो अभी थोड़ा एनर्जी आ गया, तो चलिए चलते हैं। गाइस आप लोगों को बता देता हूँ मैं ये हेलमेट क्यों निकल नहीं रहा हूँ, क्योंकि आज धूप बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर पांडा जो दीप्सी का मालिक है वो उसका जो उसकी जो क्या इंटरेस्ट कर रही है, ठीक है। उसके बाद मेरा है, तो उसके बाद हम लोग ऑफिस चला जाएंगे, ऑफिस में मीटिंग भी चल रहा है, तो वहाँ पर जाकर थोड़ा अटेंड करेंगे, उसके बाद लंच करेंगे। तो देखते हैं क्या था, आज धूप बहुत ज़्यादा है, आपको आप देख सकते हो
बहुत बड़े रहा है गाइस, मेरा ईपेस्ट खत्म हो गया है और आज हालात मेरा खराब टाइट पूरा। पांडा को देखो, पांडा को बहुत मजा आ रहा है ना पांडा, चलो जीवा। तो गाइस फाइनली आके घर पहुंच चुका हूँ, अभी टाइम हुआ है 5 बजा हुआ है और गाइस आज तो हालत पूरा टाइट है, ठीक है। और आज गर्मी बहुत ज़्यादा था, टेम्परेचर वही 42 डिग्री या 40 डिग्री आसपास होगा, उसके मतलब ऊपर हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही गर्मी था आज। और आज बहुत टास्क भी था, ठीक है, तो इसलिए काम तो बहुत कुछ हो गया। और मतलब बाइक चलाते चलाते मेरा जो पैर है बहुत दुख रहा है और हालत पूरा टाइट। थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों से बातें जो भी ये करूँगा, ठीक है। तो गाइस अभी तो टाइम हो चुका है, 9 बज चुका है, तो अभी मैं सोचा कि जो सरप्राइज के बारे में आप लोगों को मैं बता रहा था, ठीक है, तो उसके बारे में आप लोगों को अभी बताऊंगा। पहले जो सरप्राइज है वो एक किलो है, ठीक है। तो आपको फोटो तो ठीक ठाक आ रहा है, ये वाला मिडिल पर्सन में लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे मामा, ठीक है, और हम सभी का फैमिली फोटो है इसे। तो मुझे ये वाला पिलो बहुत अच्छा लगा था, इसलिए हम लोग ये वाला पिलो को मामा को सरप्राइज दिए थे, ठीक है। और ये वाला पिलो बहुत लेट में आया था और ये मेरे तरफ से और लौकी के तरफ से है ये वाला। और एक था जो कि आप लोग बोलते हैं कुक जब करते हो, जो यहाँ पर लगा के और उसको पहनते हैं ना कुकिंग के टाइम में, तो उसको हम लोग गिफ्ट किए थे। और एक चीज़ दो चीज़ हो गया, और एक चीज़ था जो कि आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हो, तो ये कैसियो है, ठीक है। इसमें इसके अंदर 400 टोन्स और बहुत कुछ है इसके अंदर। तो ये वाला चीज़ को पापा ने सरप्राइज दिए थे मामा को। मामा को मतलब गाने का शौक है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या किए ना, ये वाला चीज़ को ले आए और पापा सरप्राइज दिए मामा को। मामा को बहुत अच्छा लगा। ये सब चीज़ का जो रिएक्शन है, मामा का जो भी रिएक्शन था, आप लोग मेरे चैनल पे, वो वाला चैनल पे, ओडिया वाला चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। नीचे में उसका डिस्क्रिप्शन में तो लिंक डाल देता हूँ, तो आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हो। और उसको उस वाले चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी कर देना, साथ साथ चलेगा तो बहुत अच्छा है, ठीक है। बहुत दिन हो गया मैं हिंदी में बोला नहीं था, इसलिए आज वाला ब्लॉग में कुछ दिक्कत होगा तो थोड़ा माफ कर देना, और कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज कमेंट में नीचे जरूर बताना। और मैं डिफरेंट टाइप्स मतलब ब्लॉग शूट करने के ट्राई कर रहा हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो भी देख रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों का कुछ सजेशन होगा तो नीचे जरूर बताना। चैनल में मैं रेगुलर वीडियो डालने के लिए कोशिश कर रहा हूँ और वहाँ पर भी 100 सब्सक्राइबर आसपास मतलब पार हो चुके हैं, तो साथ साथ को मतलब चलने दूंगा। तो अभी मैं एडिटिंग स्टार्ट कर दूंगा, नहीं तो लेट हो जाएगा और कल सुबह वीडियो नहीं आ पाएगा, तो इसलिए जल्दी जल्दी एडिट कर देता हूँ। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।